सो गाइस, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो RAR फाइल होता है वो करप्ट हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जब हम कॉपी करते हैं उसे, तो कॉपी करने के दौरान हो सकता है कि हमने पहले ही उसे पिन ड्राइव को पुल कर लिया हो, या फिर डाउनलोड करते समय अच्छे से डाउनलोड ना हुआ हो। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारा जो RAR फाइल, यहाँ पर जैसे मेरे पास एक RAR फाइल है, ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है एरर, द आर्चिव इज इधर इन अननोन फॉर्मेट और डैमेज्ड, यानी कि ये करप्ट हो चुका है। तो हमें इसे ओपन कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको विन रार ओपन करना है। यहाँ पे विन रार मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पे ये फाइल ड्राइवर मैक्स प्रो है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे है कि हम इस रिपेयर करने का कोशिश करते हैं विन रार के थ्रू। तो यहाँ पे मैं रिपेयर पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने विनरार डाल रखा है, RAR या फिर जीप, किसी भी फॉर्मेट में आप इसे कर सकते हैं। तो ये लोकेशन ध्यान दीजिएगा कि ये लोकेशन कहाँ सेव हो रहा है, ठीक है। जो रिपेयर होके आर्चिव वो सेव कहाँ होगा, और ये जीप में या RAR किसी भी फॉर्मेट में आप सेलेक्ट करके इसे ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिल्ट रीबिल्ड करके डन हो चुका है, ठीक है। रीबिल्ड नाम से क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे रीबिल्ड नाम से ये बन चुका है, ठीक है। इसे ओपन करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये रिपेयर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक मेरे केस में फेल हो चुका है। हो सकता है आपके केस में फर्स्ट ट्रिक ही काम कर जाए, यहीं से रिपेयर हो जाए। तो मैं सेकंड ट्रिक यहाँ पे यूज करूँगा। यहाँ पे करना क्या है, आपको गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पे लिखना है 7-zip डाउनलोड। 7-zip यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आप जाएंगे, 7-zip डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे exe फाइल में डाउनलोड करता हूँ, 64-bit मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ 64-bit। ये ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, लगभग 1.4 MB का है, ठीक है। नेट स्पीड थोड़ा सा स्लो है, तो इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो ये मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है, मैं यहीं से इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में ये इंस्टॉल इज इंस्टॉल्ड, ठीक है, क्लोज करते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे 7-zip से। यहाँ 7-zip मेरे में ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मैं इसे ओपन आर्चिव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा फाइल। एक मिनट में आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप सोचेंगे कि मैंने फाइल चेंज कर दिया, ये ड्राइवर मैक्स प्रो या रीबिल्ड वाला, मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये मेरे पास सिर्फ एक फाइल है, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये विनरार से डैमेज लिख रहा है, और यहाँ पे मैं 7-zip से जब इसे ओपन करूँगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। मैं बैक में जाता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। तो ये आप यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, इसका फाइल का पासवर्ड क्या है, तो ये मेरा फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था विनरार को ओपन करने का इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स और एथिकल हैकिंग के वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा। बाय बाय।